चेयरमैन के चुनाव में इस बार क्या दाव पेश खेले जाएंगे, थोड़ा सा समीकरण बताइए मंगलोर नगर पंचायत के लिए। महाराज जी सर बता ना, ये अब इसमें मतलब राजनीति में बेहतरीन वो हो गए बड़े नेताओं में, तो अगर तो आप पेच फंसा में दूसरा फंस कर रह जा। काजी जी क्यों हारे अब के, सिर्फ यही हारने की वजह है कि कभी उन्होंने काम ही नहीं करा जो सोचे थे घर की हुकूमत है। मगर जब पब्लिक समझ जाती है कि भाई ये इस साथ का तो हटे, अब ऐसे ही ये चेयरमैन जो हैं ये कोई काम नहीं करके दे रहे, तो इन्हें तो सबने नकार रखा। ये उस टाइम शमशाद उसी की उम्मत में था आज जी सरवत की, यहाँ का सारा अंसारी उसकी जो कहे वही करे, उल्टी भी सीधी भी, तो वो अब कब जरा उसके जब उन्होंने काम नहीं करा उन्होंने मना कर दे। देखिए यहाँ पर अभी शतरंज खेला जा रहा है, ये शतरंज और राजनीति में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार शतरंज का खेल खेला जाता है, शतरंज में दाव पेच लड़ाए जाते हैं, उसी प्रकार राजनीति में भी शतरंज की तरह दाव पेच लड़ाए जाते हैं। और हम फिलहाल मौजूद है नगर पंचायत मंगलोर में, और यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि यहाँ की राजनीति में किस प्रकार शतरंज की तरह दाव पेच लड़ाए जा रहे हैं और क्या दाव पेच यहाँ पर लड़ाने की तैयारियाँ चल रही है। इधर बात करें भाजी, मंगलोर नगर पंचायत में किस प्रकार दाव पेच लड़ाए जा रहे हैं, जैसे कि अभी आप शतरंज खेल रहे हैं, शतरंज में दाव पेच लड़ाए जाते हैं, एक दूसरे पे चाल चलने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, और मेरे को लगता है कि राजनीति में भी इसी प्रकार बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत दाव पेच लड़े जाते हैं, तो क्या क्या कहेंगे? ये तो खेल का मैदान है, वो खिलाड़ी जाने जी। रही राजनीति की बात तो वो नेता जाने। तो क्या जमीनी स्तर पर वो राजनीति देखने को मिलती है जो राजनीति लोग करते हैं, नेता लोग करते हैं, क्या जमीनी स्तर पर भी राजनीति देखने को मिलती है? नहीं वो नहीं, वो नहीं, ये तो दिल बहलाने वाला है, ये दिल बहलाने के लिए है, वो राज के लिए है, राजगद्दी के लिए है, ये राजगद्दी नहीं है, राजगद्दी तो तानाशाही की। तो आपको लगता है कि राजगद्दी के लिए हर प्रकार के दाव पेच लड़ाए जाते हैं राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए? वो देखिए वो तानाशाही की सरकार थी, यानी राजा महाराजाओं की, वो सब खत्म हो चुकी, अब नेताओं की सरकार है, तो नेता उसमें क्या दाव पेच लड़ेंगे या क्या भाषण देंगे वो तो वो ही जाने। चलिए मैं आपसे नगर पंचायत को लेकर अगर बात कर लूँ, वर्तमान नगर पंचायत में जो चेयरमैन है यहाँ पर, वर्तमान विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी जी द्वारा उन्हें समर्थन, खुल समर्थन किया गया था यहाँ पर खुलकर, और वो फिलहाल चेयरमैन भी है, तो इस बार लेकिन जो वर्तमान विधायक है उनके द्वारा उनके खिलाफ़ मोर्चा खोला गया है, यानी उनके खिलाफ़ भाषणबाजी की गई है, तो इस बार क्या समीकरण रहने वाला है? नहीं, ये नहीं, क्योंकि देखो पब्लिक जिसको चाहती है, कहीं पब्लिक भी गलती करती है ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग हैं जो पैसे के लालच में इलेक्शन में वोट दें कुछ अच्छाई के लिए, खुददारी के लिए, कि उस नेता को वोट दो जो काम अच्छे करे। पहले क्या था कि विधायक जी ने, जो यहाँ के विधायक जी है उन्होंने चेयरमैन का खुला समर्थन किया था चुनाव से पहले, तो और वो जीतकर भी सामने आए, लेकिन अब उन्हीं के खिलाफ़ जिस प्रकार मोर्चा चल रहा है या उनके खिलाफ़ जो बातें चल रही है, तो उसे लेकर इस बार क्या समीकरण रहने वाला है नगर पंचायत चुनाव को लेकर? भाई जरा बतला दियो ना, तुम बता के खेल में नहीं बता दियो क्या? अरे मैं खेल रहा, देखो खिलाड़ी को राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका तो सारा जहन इसी में हो, ठीक है राजनीति इसी से चली, इसी से खेलते हैं, मगर वो उस दौर की बात थी जब इस पर अमल हुआ करता, अब कुछ नहीं ना ये वो खेल रहा, इंटरनेशनल और है, नेशनल और है, तो इसमें नहीं अब वो बात नहीं रही कि ये ही राजनीति, इस बार राजनीति में भी वो बात नहीं रही। हाँ राजनीति में भी भाई जब उनका बन रही थी बात, तो इस बार चेयरमैन कौन बन रहा है, जिसे पब्लिक चाहेगी
क्या चाह रहे हैं इस बार? अभी तो पब्लिक का कोई रुझान नहीं, वो सर उनके मात हो गए बातों में। तो क्या उनका कहा कि बातों में उनका मतलब जो है तुम्हारे से पूछ रहे हैं मैं बात, जो बात आप बताओ। चौधरी सलाम जीतता का जी, फिलहाल वर्तमान चेयरमैन है जी, उनके बारे में हम तो वो हमारा खास आदमी बिल्कुल, वो क्या है कि यहाँ का जो अंसारी बिरादरी उसकी साथ थी अब का वो चेयरमैन शमशाद, अब का जरा सी वो उनसे मुखालिफ सी हो रही। तो क्यों मुखालिफ हो रही है? क्योंकि चुनाव से पहले उन्होंने उनका खुला समर्थन किया था विधायक ने, और विधायक इसी बार उनके खिलाफ मोर्चा। चेयरमैन ये यहाँ के जो अंसारी है विधायक साहब तुम्हें अंसारी, अब रही बात उसकी क्या नाम जो है चेयरमैन ने की, ये उस टाइम शमशाद उसी की उम्मत में था हाजी सरवत की, यहाँ का सारा अंसारी उसकी जो कहे वही करे उल्टी भी सीधी भी, तो वो अब कब जरा उसके जब उन्होंने काम नहीं करा उन्होंने मना कर दी। तो क्या विधायक जी आपको क्या लगता है कि विधायक जी इस बार अपने लड़के को चेयरमैन के चुनाव के लिए उतार सकते हैं या कोई किसे उतार? अंसारी तो कोई नहीं उतरता, कोई वैसा उतरेगा जैसे मतलब जो है काई जी हुए उसका लड़का हुआ या संजीव जैन हुआ, वह वाह काजी का लौंडा। हाँ ना 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 दूसरा काजी, एक काजी आमिर का भतीजा, टक्कर बराबर की होगी सम इस्लाम चौधरी के और उसकी काजी की लौंडे की, क्योंकि वो हाजी का आदमी रहेगा ना बनकर। बस थोड़े बहुत वोट मिलेंगे, आएंगे जरूरी है अभी। हाँ एक तरफा वोट चलता है, जो काम करे दे रहा उसकी। काजी जी क्यों हारे अब के? सिर्फ यही हारने की वजह है कि कभी उन्होंने काम ही नहीं करा, जो सोचे थे घर की हुकूमत है, मगर जब पब्लिक समझ जाती है कि भाई ये इस साथ का तो हटे। अब ऐसे ही ये चेयरमैन जो हैं ये कोई काम नहीं करके दे रहे, तो इन्हें तो सबने नकार रखा सामने, चाहे कैसे ही दिखाया जाए, ये इसलिए मजबूर है। चलिए मैं एक सवाल आपसे 2024 को लेकर भी कर लेता हूँ, 2024 की अगर बात करें सांसद चुनाव को लेकर, तो किसकी सरकार बनने जा रही है? बीजेपी की बीजेपी में से भी कौन चाह रहा, क्योंकि बीजेपी में से दो तीन चारे सामने निकल कर आ रहे हैं, निशंक जी और मदन कौशिक जी की बात और यतीश्वर आनंद जी की अगर बात करें। इसकी जो सरकार है जो मोदी आदमी ये तो है ना, जो इन अटल कर दिया नहीं अटल है ये जो फिलहाल है वही वही रहेगा इसका, तो वो तो वही रहेगा। हरिद्वार से तीन चारों में से आप किसे मानते हैं सांसद के लिए बीजेपी से चारा सही रहेगा इस बार? वहाँ तक नहीं, हम जी गए, हम तो अपने हजी के और काजी के यहाँ रल कर रह गए, हमारे तो हजी और काजी, वो हम तो टाइम इंदिरा गांधी मरी थी राजू ने यूँ कह दिया था मुझे हार पसंद नहीं है, तो उसके पहले ही बक्स तैयार हो गए थे। ऐसे बीजेपी है जब जहाँ यूँ कह देगी कि सही है तो वो सही है, वो करे कैसे ही। जनता का भी तो अपना प्रोस्पेक्टिव होता है, जनता तो कहीं भी नहीं चाहती बीजेपी को, 90% चाहती नहीं, 10% चाहती है। अब वो 90 में यह है कि जहाँ से भी देख रहे हैं पैसे वाले हैं इनके विधायक सारे काम करे। आप कह रहे हैं बीजेपी जनता को 90% नहीं चाहती, जनता की राय नहीं चाहती, जनता नहीं चाहती, मगर मोदी जो हर धर्मी से चाहेंगे ना चाहो आप, वहाँ तो दो ही सवाल हों कि या तो सही हो जा नहीं तो ख़त्म है, पैसा तो ये चाहिए 10 करोड़ 20 करोड़ ये ले, मगर काम मेरा करना पड़ेगा, ये बीजेपी का साफ ऐलान है, मगर है अंदर खानी। चलिए कह रहे हैं कि बीजेपी अगर पैसा लेगी तो कार्य होगा। चेयरमैन के चुनाव में इस बार क्या दाव पेश खेले जाएंगे, थोड़ा सा समीकरण बताइए मंगलोर नगर पंचायत को लेकर। ये देखो ये काम तो बहुत होशियार लोगों का है, हमारे जैसे का नहीं, हम तो सीधे भले हैं, ये तो होशियार लोगों का काम है, और हाँ और उनका काम है जिनके 10 आदमी हैं, इकले दुकले का काम नहीं है, जहाँ 10 आदमी इकट्ठे होंगे तो बातचीत वहीं की जाएगी। आप भी अपना एक मत रखते हैं क्योंकि आप भी मतदान करेंगे, तो आपका भी अपना एक प्रोस्पेक्टिव होगा, आपकी अभी अपनी सोच होगी कि इस बार जो वर्तमान चेयरमैन है वो अपने कार्य पर कितना खरा उतर पाए, और अगर आएंगे इस बार तो उन्हें यहाँ की जनता कितना मानेगी, या कोई नया चेहरा सामने आने वाला है, या विधायक जी की ओर से कोई चेहरा सामने आने वाला है? नहीं ये बात नहीं है, खोल ली नहीं गुत्थी अभी, मैं भी लड़ सकूंगा ऐसा, तो वैसे ये भी उनके खास में नहीं, मजाक में नहीं जी, ये भी उनके खास में है।
हाँ इफ्तखार मास्टर जी बचपन से मतलब 24 घंटे उन्हीं के साथ रहने वाले, तो इनका भी नाम है आपका। चीफ एजेंटी में था मगर हमें इससे इसमें ज्यादा दिलचस्पी राजनीति में दिलचस्पी। अभी तो आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि मैं राजनीति से दूर ही हमारा खेल। हाँ इसके सामने हमारा सब कुछ फेल है। हाँ इसके सामने हमारा सब कुछ फेल है जी। जिस शतरंज के सामने आप कह रहे हैं सब कुछ फेल है, लेकिन जिस प्रकार शतरंज में दाव पेश लड़े जाते हैं तो आपको लगता है राजनीति में भी उसी प्रकार दाव पेश लड़े जा रहे हैं? वो शतरंज की चाल चली जा रही है राजनीति में भी। क्या आपको लगता है कि जमीनी स्तर पर वो कार्य उतर रहे हैं जो नेता चुनाव के समय में लोगों के बीच रखते हैं? हाँ जी उतरेंगे उतरेंगे, आपके तो बहुत अब इन उतरे आगे उतरेंगे जी। आगे हम किस आधार पर लग रहा? ये जो यहाँ के जो हमारे हाजी सरवत है ना, ये अब इसमें मतलब राजनीति में बेहतरीन वो हो गए बड़े नेताओं में। तो अगर आप पेच फंसा हुए दूसरा फंस कर रह जा। अगर काजी निजामुद्दीन जी की बात कर लें तो वो किसे उतारने वाले इस बार यहाँ से? चौधरी इस्लाम, बस उनका दूसरा कोई नहीं है। तो जो जिसे हाजी जी उतार रहे हैं जिसका नाम अभी आपने बताया, उधर काजी जी उतार रहे, तो क्या इन दोनों की टक्कर आने वाली है? हाँ जी हाँ जी हाँ, दोनों की टक्कर ही रहेगी। ना भाजपा का नहीं यहाँ कोई दांव है, उतरेंगे भाजपा वाले का, यहाँ भाजपा कोई है नहीं कुछ। अभी आपने देखा मंगलोर नगर पंचायत से हम कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे नगर पंचायत चुनाव को लेकर, क्या जो वर्तमान चेयरमैन है उनके द्वारा क्या कार्य यहाँ पर किए गए क्या नहीं किए गए? लेकिन इस बार जो यहाँ पर विधायक जी है, क्योंकि उन्होंने पहले जो यहाँ पर फिलहाल चेयरमैन है उनका खुला समर्थन किया था और उनको जिता कर भी सामने लाए, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया कि उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है, उनके खिलाफ है। तो ऐसे में देखना होगा कि किस व्यक्ति को इस बार में यहाँ पर चेयरमैन के चुनाव के लिए उतारेंगे जमीनी स्तर पर, और कौन यहाँ पर जीत कर आने वाला है। देखते रहिए इसी प्रकार द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।